Hallelujah, hallelujah. Jesus, oh, the sun, Parababa, oh, the other sea, Parababa, the sea, Pira, Shukoto, Yusu, Kumachu, the Dali, Pokanaba, the Sukani, Pachu, the Rose, and the Roshi, adopted by him. Pira, Shukoto, Jesus, the Shukoto, Holy Spirit, Pira, Shukoto, and भाइयों में से भी जिससे भी खुदा का पाक रू उबारता है वो दुआ में रहनुमाई कर सकता है। दलेरी के साथ जिससे भी खुदा का पाक रू उबारता है, भाइयों में से दलेरी के साथ उठ खड़े हों। भाई लाजर को मैं दावत दूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खुदा आसमान और ज़मीन के खारी कुमारी के उस नाज़री, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ आज की खूबसूरत सुबह के लिए, अच्छी रोशनी के लिए, तंदुरुस्ती सेहत के लिए खुदा खुदा कि एक बार फिर तूने आज हम सबको मौका दिया ताकि तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके, तेरी तारीफ़ कर सके। क्योंकि खुदा खुदा तू ही तारीफ तंजीम और इज्जत के लायक खुदा है। कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके आगे हम झुकें और सजदा करें। मेहरबान खुदा शुक्रगुजार हूँ मैं सीनियर खादम पास्टर फजल साहब के लिए खुदा खुदा, जिसे तू पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। तो अपने खादम का शोर बनना, उम्र की दराजी फिर सलामती देना। जितनी देर भी तेरा खादम रोए जमीन पर रहे, तेरा पाक रूप एक भी लम्हा अपने खादम से जुदा ना हो। मेहरबान खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खादम पास्टर शौकत फजल साहब के लिए, जो हर रोज मेहरबान यसू हम सब के लिए बरकत चाहते हैं। तो अपने खादम को जोर देना, उम्र की दराजी फिर सलामती देना। आज भी जब तेरा अजीम खादम हम सब के लिए बरकत चाहे, तो मेहरबान खुदा जितनी जानों तक तेरे खादम की आवाज पहुंचे, देख मेहरबान खुदा लोग बरकत पाए, तंदुरुस्ती पाए, सेहत पाए। मेहरबान खुदा, मेहरबान खुदा मैं दुआ करता हूँ इंटरनल ऑफ निस्की के लिए, आइसिक टीवी के लिए खुदा खुदा, जहां जहां भी तेरा आइसिक टीवी मेहरबान खुदा पहुंच रहा है, तेरा पाकरू लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का वसीला बनता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ मेहरबान खुदा। जितनी जाने इस वक्त आ चुकी हैं, एक एक को तू छूना, ब्लेस करना और बरकत देना, हर एक के दिल की मुराद को पूरा करना। और जो रास्तों में हैं, जो आने का इरादा रखते हैं, मेहरबान खुदा उनको तू अपने घर में लेके आना, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। मेहरबान खुदा प्रस्तिश के वसीला से तो अपने कादम पास्टर मजीद माइकल साहब को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। और इसी तरह मेहरबान यसु आज की जिंदा आवाज जिस भी खादम के मुंह में है, मेहरबान यसु अभी से उसको सर के बालों से लेके पांव के तलवे तक अपनी पनाह में रखना। जब तेरा खादम कलाम की खिदमत करे, तो मेहरबान खुदा आज कलाम के वसीला से लोग आजाद हों, लोगों की जिंदगियों में जलाली काम करना मेहरबान यसु, क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। और रबा सिखा सिंदा पाकरू, एक एक को तू छूना, ब्लेस करना और बरकत देना, और मीटिंग में शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आइए मेरे सामने मेरे साथ मिलकर सोर सबूत पढ़ूंगी मैं। बाइबल कदर्स जिसके पास है वो निकाल सकते हैं। ये जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो,
काटते हुए उसकी हजूर हाजिर हो। जान रखो के खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफ़त अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। इसके नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आइए ऐसी सफेद खुदावन की हुजूरी में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए कि खुदा तू हमें मुझे मौका दिया ताकि मैं तेरी हुजूरी में झुक कर तेरे नाम को जलाल दे सकूँ। और खुदावन जो भी तेरी हुजूरी में आ चुके हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहती, तेरा पाक हाथ बांधते थी खुदावंदा। पास्टर शौकत के लिए तेरी बरकत चाहती जबकि वो बीमारों के लिए दुआ करे तो खुदा तेरे बंदे पर भी तेरा हाथ बढ़ा रहे। और खुदावंद उसकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहती। सीनियर पास्टर फजल के लिए खुदावंदा, ICTV के लिए तेरी बरकत चाहती, उनकी फैमिली के मिसिस के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहती, जो आ चुके हैं जो आने वाले हैं आज खुदावंद कलाम के वसीले से बरकत देना। पास्टर शांत को खुदावंद तेरे खून में छुपा देती, तेरे मासूम को तेरे हाथों में रख देती। अभी से खुदावंद उसका मुंह का सूमा लेना, उसके गले का सूमा लेना। आज कलाम के वसीले से यहाँ सब बरकत पाकर जाए, क्योंकि जब तेरा कलाम खुल जाता है तो तेरे मुंह की बातें आ जाती हैं। और कलाम के वसीले से खुदावंदा तू आज सारे बंधनों को तोड़ देना, क्योंकि तूने कलाम को हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। और दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है और राह के लिए रोशनी है। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं, हम कटे और तू बढ़े और तेरा नाम यीशु जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम इसी तरह प्रस्तिश में पास्टर बच्ची माइकल से दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रस्तिश को वो खुदावन के जलाल के लिए गाए और खुदावन के नाम को इज्जत और बरकत मिले। हालेलुया प्रेज़ क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह के अजीम और कादर और जलाली बाबरकत नाम है। आप सबको सलाम। आप लोग मंदिर से आए हैं, हम अपना चर्च के अंदर आप सबको वेलकम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक रूह होकर, एक ख्याल होकर, एक सोच होकर हम खुदा की इस आयत को हिम्मत करें और उसी के नाम को इज्जत दें। आइए मेरे साथ पूरे चर्च वाले सुनाएंगे यहोवा का
मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर यूसुफ लाग से कि वो आएंगे खुदा के खादम और दुआ मेरा नहीं करेंगे। हालेलुया। इन सब सर खुदावंत की पाक अंसुनी में झुक जाएं और हम दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक हमने काम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत रफाकत शराकत के लिए हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। सो देव खुदावंत आज का प्रस्तुत करना तेरी पाक हजूरी में बखूर की मानद कबूल ठहरे और फक तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी नाम इज्जत और जलाल पाए मसीह के नाम से।
खुदा की शीली आवाज़ को सुने और मैं पास्टर के नाम पर कैसे दरख्वास्त करूँगी कि वो कोई कोर्स या कोई गीत गाए, अपने हाथों को हम उठा लेंगे क्योंकि खुदा हमारा हमसे प्यार करता है, वो हमें अपने आँखों में ले लेता है, अपने हाथों को उठा लीजिए। जुदा ना हो उससे खुदावंद, देख तू अल्फा मेगा अव्वल आखिर है,
खुदावंद एक तू आज के कलाम के वसीला से एक एक रूह एक एक जान को खुदावंद बरकत देना। आज के कलाम के वसीला से बंजर जमीनें तरफेज हो जाएं। तेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता खुदावंद, एक एक की जिंदगी में ये तस्वीर पकड़े ताकि यीशु के नाम में ये घराने बाबरकत हो, ये खानदान बात से बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। संत तशरीफ रखें और आपकी फादियों के साथ पास्टर चांद को मैं दावत दूंगी, खुदावंद की शीरी आवाज आप तक पहुंचाए। हालेलुया। खुदा कदूस का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो चाहता है कि इंसान उसकी हम्द करे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी क्या करे जी, हम्द करे। कौन सी चीज़ मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकती है? कोरोना आया, लोग कहते शायद अब चर्च बंद हो जाएगा, हाँ हमसे कलाम ले लिया जाएगा। कोई चीज़ मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे उसका भी बड़ा भाई क्यों ना आ जाए, कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा है। हालेलुया। आज हम सबसे पहले खुदा कदूस का, उसके बाद सीनियर पास्टर फजल साहब का, पास्टर शोकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो बर वक्त अपने लोगों की फिक्र करते हैं और अपने लोगों की फिक्र करते हुए अंजील को दुनिया की इंतहा तक फैला रहे हैं। हालेलुया। आज हम बाइबल मुकदस में से चंद बातें सीखेंगे। लुका की अंजील उसका 22वां बाब और 22वें बाब की 33वीं आयत की तिलावत की जाएगी। हवाला एक बार तो फिर नोट कर लें, लुका की अंजील 22वां बाब 33वीं आयत। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। आमीन। ये बात शमौन पतरस, शमौन जिसको यीशु मसीह ने नाम दिया पतरस, वो कहता है कि मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं। आज हम अपनी कलीसियाओं में देखें, अपने इलाकों में देखें, मसीह के लिए बहुत सारे लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर सवाल करूं तो बहुत सारे लोग पतरस की तरह जवाब देंगे कि हम भी मसीह के लिए कैद होने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरे अजीज बात यह है, हम कैद होने के लिए और मरने के लिए तो तैयार हैं लेकिन बाइबल पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम मसीह के लिए मरना तो चाहते हैं लेकिन मसीह के लिए जीना नहीं चाहते। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम लाखता लामहदूद हमें बताता है कि जो जो लोग बाइबल पर अमल करते रहे उनकी जिंदगियां कैसे बदल गई। और पतरस जब यीशु मसीह के साथ खाना खा रहा था तो कहते हैं मैं तेरे साथ कैद होने को भी तैयार हूं, अगर मुझे सिपाही आके पकड़ ले तो भी मैं तैयार हूं, मुझे कैद खाना में डाल दिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, उल्ट पटांग हरकते करके और फिर कहते हैं हम मसीह के लिए कैद हैं, शायद हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हमसे ऐसा हो रहा है।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अंजील की खातिर कैद हैं, वो बाइबल को प्रीच करते हुए कैद हुए, उनको बाइबल शाबाश देती है, उनको बाइबल अवार्ड देगी, खुदा ने अजर देगा, लेकिन जो लोग नशा करके अपने आप को गुनाहों में डालकर कैद हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हम कैद हैं मसीह के लिए। अगर किसी नशाई के पास आप चले जाएं, किसी गुनाहगार के पास चले जाएं, और वो कोई भी नशा कर रहा हो, कोई भी गुनाह कर रहा हो, आप उसे कहें आप यीशु की खातिर क्या कर सकते, उसका आंसर सेम पत्रस की तरह हो, ऐसे होगा ना, वो कहेगा मैं मसीह के लिए कैद होने के लिए तैयार हूं, बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन आप उसे कहें कि भाई आप इस आदत को मसीह के लिए छोड़ दो, कहेगा नहीं भाई साहब यह गल मुश्किल है, हाँ बाइबल पर अमल नहीं करना चाहते लेकिन मसीह के लिए मरना चाहते हैं, मसीह के लिए जीना नहीं चाहते, मसीह के लिए मरना चाहते हैं, वो मसीह के लिए नहीं मरना चाहते बल्कि अपने गुनाह में मरना चाहते हैं। हालांकि मसीह हमें गुनाहों से आजाद करवाने के लिए आया है। कलाम में लिखा है, पत्रस कहता है मैं कैद होने मरने को भी तैयार हूं। ऐसे लोगों के लिए पैगाम यह है कि तुझे मरने की जरूरत नहीं है, बाइबल पर अमल कर, खुदावन तुझे कबूल कर लेगा, खुदावन तुझे हमेशा की जिंदगी देगा, खुदावन तेरे गुनाहों को माफ कर देगा, खुदावन तुझे धोकर सफेद जामा देगा और तेरे हाथ में खजूर की डालियां होंगी और तू बर्रा के तख्त के सामने खड़ा होगा और खुदा को जलाल दे रहा होगा। जब आप बाइबल पर अमल करेंगे, आज बाइबल पर अमल करने वाले कम हैं, जान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप बाइबल पर अमल करना शुरू करें फिर आपके लिए वो बात होगी जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का, हम बाइबल पर अमल करते हुए जान देने तक वफादार नहीं रहते तो जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं। जो जो लोग बाइबल पर अमल करना चाहते हैं और जो जो लोग बाइबल पर अमल नहीं कर रहे थे उन सब के लिए बाइबल हमें बताती है उनके साथ क्या क्या होगा। एक हवाला देखेंगे, लुका की अंजील छठा बाब, जो बाइबल पर अमल नहीं करते उनको खुदावंद मसीह क्या कहते हैं। लुका की अंजील छठा बाब और उसकी 46वीं आयत है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, क्या नहीं करते जी, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, फिर तुम मुझे खुदावंद खुदावंद भी ना कहो, क्योंकि तुमने मेरी बातों को अपनी जिंदगी में नहीं माना है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे खुदावंद खुदावंद कहने का भी। आज बहुत सारे लोग बाइबल पर अमल नहीं करते और खुदावंद खुदावंद कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है फिर क्यों मुझे कहते हो खुदावंद खुदावंद, जब मेरे कहने पर अमल नहीं करते, जान देने के लिए तो तैयार है लेकिन बाइबल पर अमल करने के लिए तैयार क्यों है। अगर तू अमल करेगा तो तुझे हक मिल जाएगा कि तू मुझे खुदावंद भी कहे और बादशाह भी कहे, उस्ताद भी कहे। तो यीशु ने कहा खूब कहते हैं क्योंकि मैं हूं। शागिर्दों को यीशु ने कहा था, योहन्ना के अंजील में लिखा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब हम बाइबल पर अमल करते हैं फिर हमें हक मिल जाता है, हम खुदा बाप को बाप कहकर पुकारते हैं, हम यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा मानते हैं। जब हम बाइबल पर अमल करते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, जब हम बाइबल पर अमल करते हैं तो आपको बड़े इख्तियार मिल जाते हैं, आप फरिश्तों का इंसाफ करने वाले बन जाते हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। एक बार
मरतबा यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, वो कहता तेरे भाई तेरी माँ तुझसे मिलना चाहती है। इसी तरह लिखा था, तेरे भाई और तेरी माँ क्या कर रहे हैं, तुझे भाई मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों की तरफ, लोगों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, ये है मेरे भाई, ये है मेरी माँ, जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर क्या करते हैं जी, उस पर अमल करते हैं। आज हम खुदावंद मसीह के बेटे बेटियां भाई बहन बनना चाहते हैं, लेकिन बाइबल पर अमल कोई नहीं। फिर यीशु मसीह उनको कहता है कि मुझे खुदावंद खुदावंद भी ना कहो। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी यीशु को नहीं देते और फिर कहते हैं यीशु हमारी जिंदगी में मौजजा जरूर कर दे, हाँ उसके पास आना नहीं चाहते लेकिन मौजजा जरूर लेना चाहते हैं। अरे मौजजा तो उसके नाम लेने में ही हो जाता है, हालेलुया, इतनी पावर है उस नाम में। जब भी उसका नाम लिया जाता है मौजजा जरूर में आ जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो मेरे नाम से बदरूहों पर निकालेंगे। आज हमें बाइबल पर ईमान रखने की जरूरत है, उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। और एक जगह यीशु मसीह को एक औरत आके कहती है, लुका की अंजील में कहती है, लिखा कलाम में, भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उसे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। यीशु मसीह ने कहा ठीक तो क्या नहीं है, सही है, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर, ज्यादा मुबारक कौन है जी, जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर। आप लोग ज्यादा मुबारक ठहर सकते हैं और आप लोग हैं भी, जब आप बाइबल पर अमल करेंगे तो आप ज्यादा मुबारक ठहरेंगे। आज बाइबल मुकद्दस हमें चैलेंज यह देती है, हम सिर्फ सुनकर बैठे ही न रहें बल्कि बाइबल मुकद्दस पर अमल करें। आज हमने स्टैंड लेना है इस बात पर कि मैं बाइबल के मुताबिक चलूंगा, और जो लोग बाइबल के मुताबिक चलते हैं उनके बारे में लिखा है मत्ती की अंजील 7वें बाब की 24वीं आयत से दो लोगों की तमसील दी गई। यीशु मसीह ने कहा मेरी जो बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अकलमंद आदमी की मानित ठहरेगा। किसकी मानित जी? अकलमंद आदमी की मानित। जब आप बाइबल पर अमल करेंगे तो आप जान देने तक वफादार रहेंगे, लेकिन अगर आप बाइबल पर अमल नहीं कर रहे तो आप जान कोई नहीं दे सकते, आप तो एक मोबाइल नहीं दे सकते या कोई चीज नहीं दे सकते, आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज नहीं किसी को दे सकते। फिर हम कहते हैं जान, जान बड़ी कीमती है, अपनी जान के बदले बाइबल कहती है इंसान सब कुछ दे देता है। आज हमें बाइबल पर अमल करने की जरूरत है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ा अकलमंद हूं और बाइबल पर अमल कोई नहीं करता। बाइबल कहती है कि जो मेरी बातें सुनता उस पर अमल करता है वो अकलमंद आदमी की मानी ठहरेगा, यानी इसका मतलब वो अकलमंद बन जाता है। हालेलुया, क्या बन जाता जी वो? और कलाम में लिखा हुआ ना कि वो अकलमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर ही कहाँ बनाया जी, किस पर बनाया जी, यानी बाइबल कहती है चट्टान मसीह चट्टान पर अपना घर बनाया, फिर तूफान आई, आंधियां चली, बारिश आई, उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो बाइबल पर अमल करता था,
उसे बाइबल की सच्चाइयों का पता, उसे बाइबल का पता कि मेरा खुदा तूफानों में भी मुझे थमा सकता, मेरा खुदावंद जिंदा है। जब वो बाइबल पर अमल करता है, बाइबल को पढ़ता है, तो उसका ईमान बढ़ता है। हाँ, मैं जानता हूं उस शख्स को जिसने तूफानों को थमाया था, जिसने हवाओं को थमाया था। हाँ, जब वो कश्ती में था तो उसने पानी को कहा साकिन हो जा, तो वो साकिन हो गया। हाँ, जब वो बाइबल पर अमल करता होगा, उसे कलाम का पता होगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी रहा है, उसकी कब्र खाली है, वो आज भी मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। मत्ती की अंजील 28वें बाब की गालबन 20 आयत है, आखिरी वर्ष, वहां लिखा है, उनको ये तालीम दो, क्या दो जी उनको, उनसे ये बात जाके कहो कि यीशु मसीह ने जो बातें, यानी उन बातों पर अमल करें, यानी यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं उन पर क्या करें जी, अमल करें। तो आगे लिखा हुआ है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, यानी जो अमल करते हैं यीशु मसीह दुनिया के आखिर तक हमेशा उनके साथ है। वो समुद्रों में भी चले जाए, खुदावंद उनके साथ है। वो पहाड़ों पर चले जाए, खुदावंद उनके साथ है। वो मैदानों में चले जाए, खुदावंद उनके साथ है। वो सहारा में चले जाए, खुदावंद उनके साथ है। वो छतों पर हो, खुदावंद उनके साथ है। वो कॉलेजेस में हो, खुदावंद उनके साथ है। वो कुर्सी पर बैठे हो, खुदावंद उनके साथ है। वो चेयर पर बैठे हो, खुदावंद उनके साथ है। वो चारपाई पर लेटे हो, खुदावंद उनके साथ है। हर वक्त खुदावंद उसके साथ है जो बाइबल पर अमल करते हैं। आज हमें जरूरत है हम बाइबल के मुताबिक अमल करने वाले बने, सिर्फ कहने वाले नहीं। पतरस ने कहा, ये सुन के मैंने पता जो तू कहना पे ना मदन दसना अगली गल, तू आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले क्या कर देगा जी, तीन बार क्या कर देगा जी, इनकार कर देगा। लेकिन आगे आपको यह सिर्फ नेगेटिव बात नहीं सिर्फ बताने लगा, आपको पॉजिटिव बात भी बताता हूं। लेकिन जो ही रुल को नाजिल हुआ, वही पतरस जो डरता था, जो फकीरों फरीसियों से डरता, रोमियों से डरता, उसके उसे डर लग गया था। लेकिन जब रुल को नाजिल हुआ, उसने अपने दिल में ठहरा लिया कि अब मैं बाइबल के मुताबिक अमल करूंगा, मैं यीशु की बातों को मानूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा है तमाम कौमों को जाकर तालीम दो, उनको बताओ कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। जब उसने स्टैंड लिया तो 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अमाल की किताब पढ़ के देख लीजिए, उसने बाइबल के मुताबिक चलना शुरू किया। जब बाइबल के मुताबिक चलना शुरू किया, पहले वो इनकार कर रहा है, फिर वो इकरार कर रहा है। जब बाइबल के मुताबिक चलना शुरू हो गया तो फिर क्या कर रहा जी, इकरार कर रहा है। कहता है कि मुझे दुख सहना मंजूर है, मुझे मुसीबतें सहना मंजूर है, मैं मुसीबतें भी बर्दाश्त कर लूंगा, दुख भी सह लूंगा, लेकिन मैंने उसके हुक्म को मानना। किसके हुक्म को मानना जी, उसके हुक्म को मानना, और उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। आज आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे मैं जान दे सकता हूं, यीशु मसीह को आपकी जान की जरूरत नहीं है, आप ना जान दें, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए जान दी है। हालेलुया, यीशु मसीह ने जान दी आपके लिए, आपके गुनाहों का कफारा हो चुका है। आपको सिर्फ ईमान लाने की जरूरत है और बाइबल पर अमल करने की जरूरत है। अब आप ये ना कहें कि मैं बाइबल के लिए जान दे सकता हूँ, आप ये कहें कि मैं बाइबल के मुताबिक चलूंगा, बाइबल पर अमल करूंगा, बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, ताकि आपको खुदावंद शाबाश दे, अवार्ड दे। जब आप बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो आप जान देने का वफादार रहना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, फिर मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, आपको कोई सदमा नहीं पहुंचेगा, फिर आप खुशी खुशी कहेंगे हाँ सानू पठियां तो सुन दो,
ऐसी नहीं कुछ जब हम बाइबल के मुताबिक अमल करते होंगे, और जो कलाम पर अमल करते हैं उनको आग में भी फेंका गया तो वो फिर भी क्या थे, मजबूत थे, उनका खुदावंद उनके साथ था। जब आप बाइबल के मुताबिक अमल करेंगे खुदावंद आपके साथ होगा, आपको बरकत देगा और आप बढ़ते चले जाएंगे, आप तूफानों को चीरते हुए आगे गुजरते जाएंगे क्योंकि आपका खुदावंद आपके साथ होगा। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और बाइबल के मुताबिक अमल करना शुरू करें। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आसमानी बाप तेरे नाम को जलाल देते हैं, यीशु के नाम से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए। हम सबों को तू बरकत दे ताकि हमेशा तेरे कलाम पर अमल करते रहें और तेरे नाम की तारीफ करते रहें, मसीह के कादी नाम से। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। बहुत खूबसूरत खुदा के खादम ने कलाम दिया कि जब हम इकरार करते हैं, लिखा है कलाम में कि अपने होठों से जब हम इकरार करते हैं और दिल से खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा की रहमत हम पर होती है। तो खुदा इसी तरह कहता है दाऊद, मेरे दिल के मुआफिक मुझे मेरा बंदा मिल गया, अगर अपने दिल में तू बनी रखता तो मैं तेरी नाज सुनता। आज के कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। एक माह हो चुका था मुझे कि मेरा पेट जो बहुत ख़राब हो चुका था, मोशन लग गए थे मुझे, लेकिन कलाम में लिखा है कि जिस्म कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। कि ये है कि खुदा के लोग बीमार नहीं होते, खुदा के लोग भी, उन पर भी आजमाइश आती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो कोरोना वायरस आया है ये खुदा के खादमों के लिए भी है, पादरियों के लिए भी है, पास्टरों के लिए भी, सब के लिए है, ताकि हम और मजबूत हो जाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा सारी सारी रात दुआएं भी करती रही। और मैं पास्टर शौकत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुदा के खादम के लिए, कि मैं जब भी मैं दुआ के लिए कार्ड, उनके कार्ड थे, मैंने कहा कि मैंने पास्टर शौकत को मिलना है, तो उन्होंने कहा सिस्टर फरज जब भी आप मिल सकती हो दुआ करवा सकती हो। तो मैं उनके घर में भी दुआ करती रही, करवाती रही। और फिर एक दफ़ा मैं चर्च में मैंने करवाई, और मैं यहाँ तक कि मेरा खाना पीना छूट गया था, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। मैं ये कहूँ कि खुदा मैं इतनी दुआएँ करने वाली हूँ, मैं तेरी हजूरी में तेरी खादमा हूँ, लेकिन इंसान के ऊपर आजमाइश आती है। जब मैंने पास्टर शौकत से दुआ करवाई तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं हर चीज़ खाना पीना शुरू कर दिया है, और ये खुदावंद को जलाल मिले। इसीलिए खुदा ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, तुम भी दुनिया के नूर हो। और खुदा के खादमों को, पास्टर नफजल को, पास्टर शौकत को खुदा ने चुना है कि इनके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम करता है। यीशु को जलाल मिले। और मैं दरख्वास्त करूँगी क्वैट से तो हदीर रसाने के लिए हम गीत गाएंगे, दिया करो तो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। तालियों के साथ हम इस गीत को गाएंगे। Oh,
इज्जत यीशु मसीह को मिल जाए। अब वक्त हो चुका है कि हमने प्रस्तुति की है। अब पास्टर शौकत से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो आएंगे और हम सबके लिए बीमारों के लिए दुआ करें। सबको सलाम, आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आज के दिन के लिए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो खुदावंद ने हम सब के लिए इनायत किया। तो आइए कलाम मुकद्दस के लिए शुक्रगुजारी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। सब खादिम खादिमाएं आगे आ जाए और जितने भी आप फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं आप सबको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे पत्रस रियाज साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ हैं, आपकी सारी फैमिली इस वक्त मॉर्निंग मीटिंग में हमारे साथ है और सब देख रहे हैं और आपने लिखा है कि ज़रूर मेरी फैमिली के लिए दुआ की जाए, तो ज़रूर आपकी सारी फैमिली के लिए दुआ करेंगे। बहन यास्मीन गिल, आप भी अमेरिका से, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। बहन नसरीन, आप भी अमेरिका से, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दें। मेरी बहन शाइस्ता नज़ीर, आप साउथ कोरिया से हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दें। पास्टर एलवन नैयर साहब, आप कंबोडिया से हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बहन शान लाल सौदरा साहब, आप थाईलैंड से हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। बहन नसीम लाल फैमिली, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। बहन सिल्विया, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें, आप भी थाईलैंड से हैं, खुदा आपके साथ हों और आपने लिखा कि पास्टर साहब ज़रूर मेरे लिए दुआ की जाए, सो आपके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह बहन अनिला यकूब, आप दुबई से हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। इसी तरह निमरा रूफस, आप बैंकॉक से हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से देख रहे हैं, आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बे बिशारत आरब, आप लिखते हैं कि मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा पास्टर साहब, खुदा मुझे और इस्तेमाल करें। और खास तौर पर आपने लिखा कि पास्टर तारक के लिए भी दुआ की जाए, सो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो कि हमें मसूल हो रही हैं, मिल रही हैं, आप सबके लिए दुआ करेंगे। और एप्लीकेशन में लिखा है, मैंने कहा कि मैं पास्टर साहब कराची से आई हूँ, मेरे हस्बैंड इमरान के लिए दुआ की जाए, उसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया, आज उसका फैसला है, सो मेरी बहन आपके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह फयाज अमीन साहब, आप मुल्तान से हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। बहन गसल, आप भी थाईलैंड से, आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। और मेरी बहन रुबैका, उनके हस्बैंड जो कि उनको छोड़ने के लिए जॉब के लिए शिवपुरा जा रहे थे और जब वो लाहौर से निकले तो उनके डोर फिरी और बहुत सारे उनके ज़ख्म आए, उन्होंने कहा कि ख़ास उनके लिए दुआ की जाए। तो आप जितने भी इस वक्त देख रहे हैं चर्च में मौजूद है, अगर आपके बच्चे पतंगबाजी करते हैं तो उनको मना किया करें क्योंकि पुलिस की तरफ से ये ख़ास हिदायत है क्योंकि उनको पकड़ लिया जाता है। तो जब पकड़ लेते हैं तो फिर बहुत सारी हमारे पास भी रिक्वेस्ट आती हैं कि ज़रूर रिक्वेस्ट करें, तो मेहरबानी करके अपने बच्चों पर कंट्रोल किया करें ताकि किसी के लिए भी वो लानत का नहीं बल्कि बरकत का सबब बनना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी जा रही हैं। तमाम बहन भाई, आप जो भी लिख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेंगे। भाई मेरे से सो अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, जहाँ भी आप फील करते हैं कि आपके बदन के अंदर बीमारी है, भाई मेरे सीजो अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। हम सारे खादिम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। आइए हम दुआ करें।
खुदा बाप खुदा बेटे खुदा कुदस पाक खुदा हम बड़ी आजजी एक सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तुझे मुबारक कहते खुदा और इस सारे वक्त के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा कि आज के खूबसूरत दिन के लिए तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा खुदा और मौका दिया ताकि हम तेरे घर के अंदर आकर तुझे मुबारक कह सके तेरी तारीफ कर सके क्योंकि तू ही हम तारीफ प्रशंसा और सिफारिश के लायक है खुदा आज के सारी मॉर्निंग सर्विस के अंदर जितनी भी वर्शिप की गई खुदा पास इमरान बरकत साहब के लिए मजीद माइकल साहब के लिए सारे खादमों के लिए टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं म्यूजिशियन के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं कि जिन्होंने मिलकर वर्शिप की और हम सब ने बरकत पाई फरद के लिए जिन्होंने मीटिंग को लीड किया हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर चांद साहब के लिए जिनके वसीला से तेरे जिंदगी बख्श खुदा कलाम को सुना गया बयान किया गया खुदा हम तेरे खादम के लिए और ज्यादा तेरी बरकत चाहते हैं तेरे मस्सा को चाहते हैं और इस वक्त दिए खुदा अपने तमाम इन भाइयों के लिए इन बहनों के लिए बेटों के लिए बेटियों के लिए बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो कि इस वक्त खुदा बड़ी आजजी इनके सारी फरोतनी के साथ तेरे पास आए खुदा तेरी हुजूरी में चुके खुदा और इस वक्त ईमान के साथ अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा तो हम तेरी खास मस्सा को चाहते हैं अगर जो भी इनके बदनों के अंदर बीमारियां हैं इनके दिल की मुरादें हैं तो हम सारे खादम मिलकर खुदा पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं अभी और इसी वक्त तेरा पाक रूह खुदा इनकी जिंदगियों के अंदर अजलाली काम करे और ये तेरे नाम में पता पाए कि खुदा तू शाफी है तू पाप है तू जिंदा खुदा है तू सब कुछ करने की कुवत और कुदरत रखता है हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं ताकि तेरा पाक रूह इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे खुदा और ये तेरे नाम की गवाही दे सके इसी तरह खुदा आज इन सारी एप्लीकेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं अगर जो कुछ भी इन प्रेयर कस के अंदर लिखा गया पाखुदा बहुत सारे लोग मुश्किलात के अंदर है क्राइसिस के अंदर है रुपए पैसे की जरूरत है घरों के अंदर लड़ाई झगड़े है जॉबलेस है कारोबार के अंदर मसले मसाइल है अगर जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा कर्ज के अंदर आ चुके हैं सूद के अंदर बन चुके हैं खुदा हमें तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी अपनी कर्ज को लिखकर तेरी हुजूरी में पेश किया तो हम तेरी बरकत चाहते हैं तेरी बहन मिसेस इमरान के लिए जो कि कराची से स्पेशली खुदा अपने शौहर के लिए तेरी हुजूरी में झुकी अगर जो तेरे बेटे इमरान के ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया तेरी बेटी ने लिखकर पेश किया तो हम तेरे मस्सा को चाहते हैं अगर जी आज उनका जो भी फैसला है हम तेरे मस्सा को चाहते हैं तो अपने बेटे की मदद और रहनुमाई करना इसी तरह जितने फेसबुक के जरिया से देख रहे अपने तमाम इन बहन भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं मेरे भाई पत्रस रियाज की सारी फैमिली के लिए जो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है देख रहे हैं पाखुदा मॉर्निंग मीटिंग हमारे साथ में हम तेरे खास मस्सा को चाहते हैं तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे बहन यास्मीन गिल के लिए जो कि अमेरिका से देख रही है तो अपनी बंदी को बच्चों को छू बन के दे बहन नसरीन के लिए जो इस वक्त अमेरिका से देख रहे हैं हम तेरे मस्सा को चाहते हैं तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों के अंदर काम करे अगर जे और भी कोई अमेरिका से देख रहा है तो उनके लिए भी हम तेरे मस्सा को चाहते हैं बहन शाइस्ता नसीर के लिए जो कि साउथ कोरिया से देख रही है उनके वालिद साहब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं लिख कर पेश किया गया खुदा इसी तरह पास्टर एलवन नैयर साहब के लिए जो कि कंबोडिया से देख रहे हैं खुदा तेरे खादम की सारी खिदमत के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं तेरे मस्सा को चाहते हैं तो अपने खादम को और सदा वहां पर इस्तेमाल कर खुदा
बेटी निब्रा रूफस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो कि बैंकॉक से है पापा, मेरी बहन नसीम लाल फैमिली के लिए, शिशान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो कि थाईलैंड से देख रहे, गजल के लिए, सिल्विया के लिए जो कि थाईलैंड से देख रहे हैं पापा, हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, मेरी बहन अनिला याकूब के लिए जो दुबई से देख रही है और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से देख रहे हैं, गाँव से ढाकों से खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, जितने बहन भाई कराची से देख रहे हैं, लाहौर से देख रहे हैं, कोयटा से, मुल्तान से, फैसलाबाद से खुदा, सियालकोट से खुदा, गुजरांवाला से, बहावलपुर से, जितने भी शहरों से देख रहे हैं, इस्लामाबाद से, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, और जो जो अपनी अपनी रिक्वेस्ट को पेश कर रहे हैं खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, अपने स्प्रे सेंटर के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं, आइज़क टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, बेटे अनूप के लिए, उनकी मिसेस रोबेका के लिए, अगर जे पतंग की डोर फिरने की वजह से जो भी देव दम सख्त लगा खुदा, स्टिचेस लगे, जबकि तेरी बेटी खुद स्टाफ नर्स है खुदा, हम तेरी बेटी को बरकत देते हैं, तूने नई जिंदगी अता की, महफूज रखा, तो अपनी बेटी को छू बरकत दे, इसी तरह दे खुदा तेरे खादम सीनियर पासा अनूप फजल साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, अपने आप के लिए, अपने मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, फजल फैमिली के लिए और अपने टीम के इन सारे खादमों के लिए हम तेरे मस्सा को चाहते हैं, सारी टीम को ब्लेस का बरकत दे, मुन्ने भाई के लिए जो सोन ऑपरेट करते हैं, इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अशर्स के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, इसी तरह बेटे शिपाहल के लिए जो वीडियो बनाता है और पूरी दुनिया के लोग बरकत पाते, हम तेरी शुक्रगुजारी करते अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, अगर जे अभी भी बहुत सारे लोग खुदा कोरोना वायरस के अंदर मुबतला है, उन तमाम बहन भाइयों के लिए जितने बेटे बेटियां इस बीमारी के अंदर मुबतला है, इस वबा के अंदर है पाप खुदा, तुमको छू बरकत दे, इस कोरोना वायरस से तो अपने लोगों को निजात दे, रिहाई दे, फता दे, मखल से अदा कर, ताकि तेरा जलाल देखे, इसी तरह तमाम डिनोमिनेशन के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम मिशन साहबान के लिए, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, मुबशर के लिए, एवेंजरस के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं, और आज की सारी इबादत के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते, ईमान रखते कि हमने जो कुछ मांगा यकीन तूने अपने आसमान को खोल कर इनायत किया, मसीह के नाम से आमीन। आइए दोनों हाथों को उठाएं, मिलकर बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी मदद कर, हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से अच्छा कि जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा हो, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपस से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ, बिलखसूस हाजर जमात के तमाम ख़ानदानों के साथ, जितने भी फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, उन सब के घरानों के साथ, ख़ानदानों के साथ आपस लेकर अब्दुल्बा तक होती रहे, आमीन। भाग और बेटे रुकुस के नाम में आमीन। मसीह आप सबको सलाम सलामती के साथ जाए जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे, विदा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।